हम फाइनेंशियल uh, एनवायरनमेंट की डिस्कशन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने कुछ अहम इदारों के बारे में बात की विच आर अ पार्ट ऑफ आर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट में सबसे अहम इदारा हमारे मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज है वी हैड थ्री स्टॉक एक्सचेंजेस प्रीवियसली कराची स्टॉक एक्सचेंज लाहौर एंड इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस, बट देन दी स्टॉक एक्सचेंजेस वर मर्ज इनटू वन विच इज नाउ कॉल्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दैट इज पी स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज किस तरह हमारी फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करता है स्टॉक एक्सचेंज असल में अगर हम ये कहें कि हमारी इकोनोमी की एक रिफ्लेक्शन है तो गलत ना होगा Many researches have been conducted about stock exchange's relationship with the economy. Some researchers have found interestingly that stock exchange is a leading indicator of economy. Yani, stock exchange ke aane tabdili jo hai, wo economy ki aane tabdili se pehle hoti hai. So first stock exchange shows the effect and then the economy changes accordingly. कुछ रिसर्चर्स ने ये उन्हें uh, जाना अपनी रिसर्च से दैट स्टॉक एक्सचेंज इज अ लैगिंग इंडिकेटर मीनिंग दैट द फर्स्ट द चेंज वुड अपीयर इन द इकोनॉमी एंड देन द चेंज वुड बी इंडिकेटेड इन द स्टॉक मार्केट बट हैविंग सेट दिस देर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट इट दैट अ स्टॉक एक्सचेंज और अ स्टॉक मार्केट इज An important economic indicator of any country or economy. Stock exchange is simply a place where investors buy or sell securities. Securities means a financial instrument, which may be a share, which may be a bond, which may be a certificate, or something like them. Stock exchange of Pakistan PSX. is एक्चुअली a सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट सेकेंडरी फाइनेंशियल market का मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही कंपनी के मालिक नहीं होते जिसकी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जा रहा है जब कोई भी कंपनी कोई भी कॉरपोरेशन पहली मरतबा अपनी सिक्योरिटीज़ शेयर्स या बॉन्ड ईशू करती है तो वो प्राइमरी मार्किट के थ्रू अपनी शेयर्स को ईशू करती है and once the securities uh, bonds or shares are issued then later on these are traded in a in an exchange that is stock exchange stock exchange bonds or share ke alawa aur bhi tarah ke financial instruments ko deal karta hai uh, Stock exchange एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो दोनों तरह के होते हैं यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं उस मुल्क और उस इकोनॉमी के अंदर रहने वाले लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसके ज़रिए से पैसा कमाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स uh, uh, या बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाकर इन्वेस्ट किया जाता है द रिटर्न इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड विच इज़ पेड बाय द कंपनी ऑन शेयर्स और स्टॉक्स और इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ पेड ऑन द फिक्स्ड इनकम और डेट सिक्योरिटीज लेकिन इससे ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में जो रिटर्न हासिल किया जाता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन कैपिटल गेन का मतलब है कि वो एसेट जिसके ज़रिए से कमाई हो रही है उसको बेचकर मुनाफा कमाया जाए मीनिंग दैट इफ़ आई हैव गॉट शेयर्स, देन वन वे टू अर्न प्रॉफिट और रिटर्न इज़ टू गेट डिविडेंड लेकिन ये डिविडेंड तो एक साल के बाद हमें मिलेगा लेकिन अगर मैं Uh, उसकी प्राइस के उतार चढ़ाव के साथ अगर uh, प्रॉफिट कमा सकूं यानी कम कीमत पर शेयर ख़रीदा और ज़्यादा पे बेच दिया तो उससे कैपिटल गेन हासिल होता है और बहुत से इन्वेस्टर्स यानी मैं कहूं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इसी मकसद के तहत हैं uh, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हैं और वो इन्वेस्टर्स भी हैं कि जो ए, एक कंपनी या एक फंड की शक्ल में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं इसमें लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं और बाहर के मुल्कों के इन्वेस्टर्स भी हैं जिनके ज़रिए से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क के अंदर आती है स्टॉक एक्सचेंज बहुत से फंक्शंस परफॉर्म uh, करता है स्टॉक uh, एक्सचेंज की एक बहुत तफसीली वेबसाइट मौजूद है और uh, मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स इन वेबसाइट्स को जो हमारी फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के की प्लेयर्स हैं इसमें जाके ज़रूर विज़िट करें और तफसील से देखें कि इनके ऑपरेशन और इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज को लिस्ट किया जाता है यानी रजिस्टर किया जाता है फिर ये कंपनीज जो लिस्ट हो, हो जाती हैं और रजिस्टर हो जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज में फिर स्टॉक एक्सचेंज उनको रेगूलेट करता है और मुख्तफ़ कस्म के रूल्स एंड रेगूलेशन का उनको पाबंद बनाता है stock exchange's basic function is actually trading of securities that is buying and selling through brokers the people who act as broker in a stock market stock exchange actually play an intermediary role between a buyer and a seller stock market also has got several indices which actually show the performance of the stock market Uh, हमने बहुत कॉमनली यकीन सुना होगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के एस सी हंड्रेड इंडेक्स जो है वो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे की तरफ आता है सो दिस इंडेक्स गोइंग अप और डाउन एक्चुअली शोज द जनरल ट्रेंड ऑफ प्राइस गोइंग अप और डाउन इन द स्टॉक मार्केट एंड इनडायरेक्टली इट ऑल्सो शोज द अप एंड डाउन ट्रेंड इन द होल इकॉनमी बिकॉज हमने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पूरी इकोनॉमी की एक रिफ्लेक्शन भी होती है Pakistan Stock Exchange also has a data portal where the students, where the investors, analysts, researchers can find a lot of data for the purpose of making their investment decisions, performing research, or conducting analysis related to the, uh, the companies which are listed in the stock exchange. Stock Exchange, Pakistan Stock Exchange also has a detailed a website and there are guidelines and booklets which are available for the investors the people who want to invest their money in stock exchange psx has also a system uh, for those who want to learn how trading is done in the stock exchange and how can they benefit from putting their money in the stock market pakistan stock exchange is a place where investors can earn return more than what they can earn by putting their money in a bank or in a, at a place where a fixed return is earned. But stock exchange is a place where there is also a risk. Putting your money in a stock market actually exposes you to what is called the market risk. Her stock exchange can there in-built in risk. Hua karta hai जो जाहिर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी है हम उसे टेक्निकल टर्म्स में सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं यानी वो रिस्क जो हर इन्वेस्टमेंट करने वाले को फेस करना पड़ता है अगर वो उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा हाउ टू मिटिगेट दिस रिस्क हाउ टू हैंडल दिस रिस्क हाउ टू मेक मोर मनी आउट ऑफ दिस स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट इन इट्स सेल्फ़ uh, के इसको स्टडी किया जाए और पढ़ा पढ़ाया जाए